सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम कारजुम बसार जी। आप गोकर बासर को क्यों सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट करने का बात ये है कि मैं बहुत पहले से बीजेपी कार्यकर्ता था। जी, मैं बहुत पहले से अनडिवाइडेड वेस्ट सियांग से, मैं वहाँ यूथ वाइस प्रेसिडेंट था, आलो जब वेस्ट सियांग था। उसके बाद मैंने वहाँ से फिर स्टेट काउंसिल मेंबर बना। मैं गोजेंगादी जो गया आपका एक्स एम एल ए मिनिस्टर है, उसके साथ में भी था, तो देखा है कि उसका जो कार्यकाल में डेवलपमेंट नहीं है। प्लस हम लोग का जो स्टेट एक मीटिंग होता है, स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग, तब हम लोग को स्टेट काउंसिल मेंबर और एमएलए लोग को बुलाता है और आपका प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट को बुलाता है, क्योंकि उसमें स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में, तो उसमें मैंने हमेशा ये बोलता था कि हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो, हमारा रजिस्ट्रेशन कर दो। तब हमको कुछ अजीब लगा है, अरे हम लोग का जो बीजेपी का जो प्रिंसिपल है, नेशन फर्स्ट पार्टी सेकेंड सेल्फ लास्ट, तो सेल्फ लास्ट वो तो ऐसे नहीं था, सेल्फ फर्स्ट था। तो इसलिए हम मुझे अच्छा नहीं लगा है। फिर गोकर बसर का जो स्टूडेंट लाइफ से, उसका जो कार्यकाल, उसका जो काम किया हुआ यूथ को साथ में लेके, और उसका बिना रुपया में भी उसका माने इतना अच्छा अच्छा यूथ को भी साथ में लेके चलता है, तो हम देखा है इतना छोटा माने यूथ है वो इतना अच्छा काम कर रहा है। तो चलो क्यों ना हम ये मंत्र लेके, जो बीजेपी का मंत्र है वो सही आदमी को चुनना है, ये सोच के मैंने साथ दिया उसको 2019 इलेक्शन में। क्या सबूत है कि आप बीजेपी के मतलब काउंसिल मेंबर थे? मेरा है, हम हमेशा ये पार्स में रखते हैं, कोई कोई पूछता है ना, तो इसलिए हम ये हमेशा पार्स में रखते हैं। ये हमारा आई कार्ड है बीजेपी का। ये भारतीय जनता पार्टी करजुम बासर, यमकर बासर आपका जो है देता पार्ट। अच्छा, ये आपका प्राइमरी मेंबरशिप, यानी आपका एक्टिव मेंबर नंबर है 094। 094 मतलब बहुत पुराना होगा तब तो। ये बहुत पुराना है, 100, हम 100 अंदर में आते हैं। जी, तो कितना साल हुआ बीजेपी में रहे? बीजेपी में हम नाना बोलने से भी हमारा तो 14 ईयर्स जैसा था। अभी भी फिलहाल तो बीजेपी, अभी लेके तो 20 साल ज्यादा हो गया। अभी भी अभी मैं बीजेपी, मैं खुद बीजेपी हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि हमारा नरेंद्र मोदी पीएम प्राइम मिनिस्टर का जो काम किया हुआ, हमारा सीएम का काम किया वाला, चीफ मिनिस्टर श्री पेमा खांडू जी का काम किया वाला, ये सब डेवलपमेंट देख के मुझे तो बहुत खुशी लगता है। लेकिन यही है कि हमारा गोकर जी को पार्टी क्यों नहीं चुन रहा है, ये सोच के कभी कभी पार्टी जो है बीजेपी पार्टी जो गोकर को चुनना चाहिए। जी, जो अच्छा काम करता है उसको चुनना चाहिए, तो आप सरकार के लिए बहुत ठीक होगा। और अभी तो हम देखता है वो तो टीम अरुणाचल में अच्छा काम कर रहा है, वो साथ में लेके चलना है। और कुछ आपको मैं ये, हम तो हमेशा गाड़ी में लेके चलता है, क्योंकि आजकल मीडिया बहुत ज़्यादा है ना, इसलिए हम थोड़ा बुलाते हैं एक लड़का को, हमारा गाड़ी में कुछ सामान दिखाएंगे आपको, कुछ सामान कुछ है, मैं हमारा सबूत दिखाएंगे और सबूत। वो कहाँ है, फोन कर लो, हो जाए। ओ या है, आए थे, तो ओके श्रीमती, ये हमारा जितना स्टेट एग्जीक्यूटिव मीटिंग में था ये सब है, जितना पार्टिसिपेट किया उसका। जी जी, लेकिन आप भाजपा को तो मानता है अभी भी? जी जी, मैं मानता हूँ, अभी भी मानता हूँ। लेकिन आपका मानना ये है कि मतलब भाजपा जो है अच्छा नेता को मतलब टिकट देना चाहिए या फिर उनको जो है साथ देना चाहिए? साथ देना चाहिए, क्योंकि इसमें भाजपा में, क्योंकि एक कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता जो है वो देश के लिए काम करना है। कार्यकर्ता कोई लीडर नहीं होते हैं, कार्यकर्ता कार्य करना है, अच्छा ये नेता को चुनना है। हम यहाँ देखता है कि हम लोग यहाँ तो जो कार्यकर्ता है वो अपना आपको ये सोचता है कि कोई एमएलए कोई जिला जैसा सोचता है, कार्यकर्ता ऐसा नहीं है, कार्यकर्ता सेवा का काम करना है। तो ये इनका जो है करजुम बासर का, जब ये भाजपा के काउंसिल मेंबर थे, तो अभी काउंसिल मेंबर में आप है या फिर आपको निकल दिए? वैसे तो यहाँ में बोलता है एक्सपेल कर दिया। हम तो ये भी लगता है कि क्योंकि अच्छा हम जो लीडर है उसको साथ में लेकर नहीं चलना है, तो मैं तो मानूंगा, मैं तो साथ जरूर दिल से साथ देता हूं बीजेपी को। मैं जो एमपी है, बीजेपी का एमपी है, उसको तो मैं वोटिंग करूंगा। लेकिन जो सही आदमी को अगर टिकट नहीं देगा, मैं तो एमएलए का मैं तो वोटिंग नहीं करूंगा, क्योंकि तो ये उनका तमाम जो कार्ड है, जो मतलब ये बयां करता है कि ये भाजपा के साथ कम से कम 13-15 सालों से मतलब ये जो है भाजपा में कार्यरत है, और इनका मानना ये भी है कि ये भाजपा को अभी भी सपोर्ट करते हैं, बशर्ते कि भाजपा का जो है हाई कमांड है, जो स्टेट का जो हाई कमांड है, ये जो अच्छा लीडर को जो है भाजपा का टिकट दे करके
उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी को डेवलप करने वाला नेता को ये साथ देंगे, ऐसे उनका कहना है। तो आप ये समझ सकता है कि भाजपा का जो है पुराना जो है कार्यकर्ता, हम लोग कार्यकर्ता बोलते हैं, जिसे सर ने बताया, कार्यकर्ता का मतलब होता है कि उस ज्यूरिडिक्शन के लोगों की सेवा करना। लेकिन उन्होंने बताया, लेकिन आपने शुरू में एक बात कहा, आपसे मैं एक बार और सवाल करूँगा कि आपका भाजपा का जो है सोच ये है कि नेशन पास सेकेंड पार्टी एंड थर्ड जो है सेल्फ। क्या आपको लगता है कि आपका यहाँ एरिया में या फिर पूरा अरुणाचल में ये मंत्र को भाजपा जो है पालन कर रहा है क्या? यहाँ तो मैं तो अरुणाचल का पता नहीं है, यहाँ जो हमारा लपारादा में तो यहाँ तो सेल्फ पास चल रहा है, उल्टा हो रहा है। पार्टी तो कोई मायने नहीं रखता है, इन लोग का तो यही काम है कि बीजेपी फ्लैग लगाओ, सेल्फ पास चलो, ऐसा बीजेपी फ्लैग भी वो। यहाँ में एक बात है, देखिए संजय साहब, सोनिया साहब, एक बीजेपी का फ्लैग है, हम बहुत इज्जत करता है, लेकिन हमारा यहाँ देखने से हम लोग जो औरत लोग ना गले बना के पहन रहे हैं, अरे फ्लैग को तो गले पहनना तो ये तो बहुत गलत बात है। हाँ, आप शर्ट बना के पहनिए, कुछ बना के पहनिए, ये तो सर में रखने वाला चीज़ है। तो इन लोग क्या है, गले बना के पहन रहे हैं, इसमें मैं बहुत खराब लगता हूँ इसको, क्योंकि स्टेट जो आपका प्रेसिडेंट है और हमारे जो इंडिया के जो हमारा जेपी नड्डा जी हैं प्रेसिडेंट, और जितना भी हमारे काउंसिल मेंबर है जो नेशनल काउंसिल में, इन लोग इसको देखना चाहिए, क्योंकि ये गले जो चीज़ है ये तो ऐसा है कि वो आप देखिए नीचे में रहता है, कि उन लोग इसको पहन के एडवर्टाइज करता है, तो ये चीज़ हमको खराब लगता है। बिल्कुल, इनका बात आपने सुना होगा, जो भाजपा का जो है सरकार या भाजपा का पार्टी ये कहता है कि नेशन पास पार्टी सेकेंड एंड सेल्फ जो है लास्ट होना चाहिए। इनका कहने का मुताबिक ये है कि पूरा अरुणाचल तो नहीं, बासर में जो है लेपारादा में ये चल रहा है कि यहाँ पर जो है सेल्फ पास चल रहा है, इसका मतलब जो है पार्टी शायद सेकेंड होगा या फिर नेशन जो है थर्ड होगा क्या? तो ऐसे में भाजपा का जो मंत्र है, भाजपा का जो है मुद्दा है, क्या ये भटक रहा है क्या? ये अपने आप में सवाल है। आखिरी सवाल ये है कि आपको क्या लगता है 2024 इलेक्शन में गोकर बासर जीत रहा है क्या? जी, वो तो आप सवाल करने का ही बात नहीं है, 24 में तो गोकर बासर जीतेगा। हम लोग भी जितना यहाँ में आज गैदर हुआ है सब दिल जान से उसका साथ में है, क्योंकि हम लोग को ये बात नहीं कुछ दिया है बोल के बात नहीं, क्योंकि दिल से हम लोग जो उसका डेवलपमेंट है और यंग है और वो ट्रांसपेरेंसी इतना अच्छा है कि खुला किताब है जैसा है मैंने एकदम। आज के इस मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम में कितने लोग आए आपके अंदाज? यहाँ में कम से कम अभी तो हम देख रहे हैं, या तो चार भी बैठने के लिए नहीं है अभी, हम लोग तो करा हो रहा है सब ना, आपको तो विटनेस है, कम से कम 5-6 हज़ार तो आदमी आया होगा। तो अभी ट्रैफिक भी इतना जाम है, हमको अभी कम से कम 1 घंटा लग गया वहाँ में ट्रैफिक में। तो ये है सर, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।